हेलो मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री के। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टोइशियोमेट्री के ऊपर एक सवाल किया था, और वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहा था कि एक बार जरा घर पे करके देखना, अपने हिसाब से एक बार ट्राई करना। मैंने आपको वो क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था। तो हम लोग स्टोइशियोमेट्री के अंदर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे थे, और वो क्वेश्चन में एक बार एनसीईआरटी में से चेक कर लेता हूं कि वो प्रॉब्लम नंबर क्या था, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली सॉल्व कर रहे हैं। वैसे आपको मैंने लिखवा दिया था, इट इज प्रॉब्लम 1.5। ये प्रॉब्लम वाला जो सेक्शन है ना, ये वो है प्रॉब्लम 1.5। अब ये प्रॉब्लम ये कहती है कि आपके पास में 50 किलो तो नाइट्रोजन है, और आपके पास में 10 किलो हाइड्रोजन है। अब आपको इसमें ये पता लगाना है कि कितनी मात्रा में अमोनिया बना। दूसरा आपको ये पता लगाना है कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। बट वो स्टूडेंट जिनसे क्वेश्चन नहीं बन पाया, आइए मैं आपको करवा के बताता हूं। भाई सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, N2+H2 से बन रहा है अमोनिया, यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा 2, और इस हिसाब से अपनी रिएक्शन जो है वो हो जाएगी बैलेंस। तो स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से ये 1 मोल, ये 3 मोल और ये 2 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन यानी कि एक नाइट्रोजन का मास 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास 1, तो H2 का मास, क्योंकि H2 में 2 हाइड्रोजन है 2, तो H2 का मास हो गया 2। और आपके पास में 3 मोल हाइड्रोजन है, तो 3 × 2 = 6, यानी ये हो गया आपका 6 ग्राम्स। और यहां पर आपको एक नाइट्रोजन का मास 14, 3 हाइड्रोजन का मास 3, 14 + 3 = 17, 17 × 2 = 34 ग्राम। ये आपकी स्टोइशियोमेट्री हो गई। अब यहां पर ऊपर किलो में लिखा है, तो मेरे को किलो से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी बात। देखो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अपन पहले इसका एक सिंपल रेशियो ले लेते हैं। हम इसका एक बिल्कुल प्यारा सा, सुंदर, सुशील सा सिंपल रेशियो ले लेते हैं। आप यहां पर देखो, 28 ग्राम अगर आपके पास में नाइट्रोजन है तो आपको 6 ग्राम हाइड्रोजन लगता है, तो जाएगा 2 × 3 = 6 = 14। अब जब आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे 14 × 3 को, तो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 12 के बाद 2 बच जाएगा, 2 कैरी 0, 20, 3 × 6 = 18, 18। तो आपका जो फाइनल रेशियो निकल कर आया वो आया 4.66:1। यानी आप ये बोलेंगे कि अगर आपके पास में 4.66 ग्राम नाइट्रोजन है तो उसके लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन आपको लगेगा, फॉर दैट आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन लगेगा। ये अपने स्टोइशियोमेट्री से निकल कर आ गया। अब आपको इसके अंदर चिंता करने वाली कोई बात नहीं। नाउ आपके पास में 50 kg नाइट्रोजन है, ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50,000 ग्राम आपके पास में नाइट्रोजन है, और आपके पास में 10 kg यानी 10,000 ग्राम आपके पास में हाइड्रोजन है। हम इसका सिंपल रेशियो ले लें। भाई यहां पर हमने क्या किया, स्टोइशियोमेट्री में अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा तो 6 ग्राम हाइड्रोजन होगा, हमने इसका सिंपल रेशियो लिया, तो हम यहां पर इसका भी सिंपल रेशियो ले लें। देयरफॉर 50,000 × 10,000, ये देखो ये और ये पूरा कट गया, तो ये आ गया 5:1 का रेशियो। यानी गिवन कंडीशन में
आपके पास में 5 ग्राम नाइट्रोजन पर 1 ग्राम हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन सर स्टोइकोमेट्री तो बोलती है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए केवल 4.66 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन सर यहां पर 1 ग्राम पर 5 ग्राम अवेलेबल है, मतलब जितना चाहिए नाइट्रोजन उससे ज्यादा है। सो यहां पर एक बात तो प्रूफ हो गई कि जो आपका नाइट्रोजन है इज इन एक्सेस। अब इसको दूसरे नजरिए से देखो, 4.66 ग्राम पर 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, अगर नाइट्रोजन 4.66 ग्राम होगा तब एग्जैक्टली 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अब क्योंकि नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ के 5 हो गई है, डेफिनेटली हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी 1 से थोड़ी बढ़नी चाहिए थी। अगर ये 4.66 पर 1 चाहिए तो 4.66 से जब ये 5 हो गया तो बेटा ये भी 1 से बढ़ के कुछ 1 पॉइंट समथिंग होना था, लेकिन ये तो 1 ही रह गया। तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि क्योंकि ये केवल 1 ग्राम हाइड्रोजन ही अपने पास में है, तो यहां पर ये बात प्रूफ हो गई कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 तो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आ गया? हाइड्रोजन इज योर LR, हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई? चेक करो इसको, आपका हाइड्रोजन और वी कैन से डाइहाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। अब तो सर बहुत इजी हो गया, अब तो आपने सिखा ही रखा है कि लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट की क्वांटिटी तय होगी। तो आपसे अमोनिया कितना बन रहा है पूछ रहा है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री आपके पास में अगर 28 ग्राम हाइड्रोजन, सॉरी अगर आपके पास में 6 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो आपको 34 ग्राम अमोनिया बनाकर देगा, लेकिन अभी आपके पास में यहां पर क्वेश्चन में 10,000 ग्राम हाइड्रोजन है तो कितना अमोनिया बनाकर देगा एक्स। आप यहां पर इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 34 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आप इसको काटो तो ये कट जाएगा 6 5 30, 4 कैरी डेसिमल 40, 6 6 36, फिर 4 कैरी, 6 6 36, फिर 4 कैरी, 6 6 36। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये हो गया 5 6 6 6 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। आप इसको 6 को यहां पर इस वाले को आप राउंड ऑफ करके 7 कर दो तो ये ग्राम्स में वैल्यू आ गई। बट आपको क्योंकि क्वेश्चन में सवाल किलोग्राम्स में दिया है, आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 2 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा 56.667 केजीज अमोनिया आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आपके बुक में भी आंसर लगभग लगभग यही कुछ दिया हुआ होगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्का 100% क्लियर? चलिए तो आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब ये क्या है, ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या है? तो देखो यहां पर एक वर्ड आया है सॉल्यूशंस। तो गाइस सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस आर नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर्स। सॉल्यूशंस आर नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा कॉम्पोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को
हम लोग सल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है जब दो कॉम्पोनेंट्स एक दूसरे के अंदर इवनली स्प्रेड हो जाए। जैसे आपने देखा होगा नमक पानी के अंदर इस तरीके से घुल जाता है कि नमक पानी के अंदर अब आपको दिखाई ही नहीं देता डिसॉल्व होने के बाद। नमक का एक भी पार्टिकल अनडिसॉल्व फॉर्म में पानी के अंदर तैरता हुआ दिखाई नहीं देगा, होमोजीनियस। समझ में आ गई बात? टू और मोर कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स मतलब पानी, नमक, शक्कर, नींबू, चार कॉम्पोनेंट्स हो गए। वॉटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, तीन कॉम्पोनेंट हो गए। वॉटर, ऑक्सीजन, दो कॉम्पोनेंट हो गए। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशंस बनते हैं। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अब क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा एक केमिकल रिएक्शन, जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी ZN, यहां पर ब्रैकेट में उसके लिखा जाता है सॉलिड, देन यहां पर लिखा जाता है CuSO4, देन उसके ब्रैकेट में लिखा जाता है एक्वस, देन यहां पर Cu बन जाता है सॉलिड फॉर्म में और ZnSO4 बन जाता है एक्वस फॉर्म में। ये रिएक्शन आपने देखी होगी। अब इस रिएक्शन के अंदर ये एक्वस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया हुआ है पानी के अंदर। मतलब इस केमिकल रिएक्शन में वाटर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर कॉपर सल्फेट को अगर आप पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करोगे तो यह रिएक्शन काम नहीं कर पाएगी। मतलब रिएक्शन को करने के लिए सॉल्यूशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मोस्टली एक्वस, यानी पानी के बिना अधिकतर रिएक्शन काम नहीं करेगी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आपने कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर मिलाया है तो कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सर, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि आपने कितने मोल्स आपके सॉल्यूट के डिसॉल्व करे इन सॉल्वेंट। अब यहां पर दो टर्म निकल कर आई, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। गाइस, अगर आपके पास में एक सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से आ जाए तो गाइस बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर केवल दो कंपोनेंट्स हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ओनली एंड ओनली टू कंपोनेंट्स हो, जिसमें पहला कंपोनेंट हो जाएगा आपका सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। समझ में आ रही है? यानी बाइनरी सॉल्यूशंस के अंदर आपको दो कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा लेसर क्वांटिटी में होता है आपके सॉल्यूशन के अंदर, और दूसरा आपको ये अपना फिजिकल स्टेट, अपना फिजिकल स्टेट चेंज करता हुआ नजर आता है। जैसे कि आप यहां पर देखो, कॉपर सल्फेट एक्चुअली एक सॉलिड सॉल्ट है, लेकिन इस सॉलिड सॉल्ट को अगर मैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो ये सॉल्ट वाटर के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा और अब आपको इसका एक भी पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। तो ये पहले जब बिना पानी के बाहर नॉर्मली बॉटल के अंदर पड़ा हुआ था तब तो ये सॉलिड था, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद ये अब डिसॉल्व हो गया और अब ये अपने एक्वस फॉर्म में यानी लिक्विड स्टेट में आ गया। तो भैया कॉपर सल्फेट ने अपनी फिजिकल स्टेट बदल ली, लेकिन वहीं पर अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। मोर की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, हायर क्वांटिटी हम कंपेरिजन कर रहे हैं, तो इट इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी। एंड दूसरा, इट डू नॉट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट। ये अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करने वाला। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? इट विल नॉट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। क्लियर हो गया? कोई परेशानी? तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में, जैसे यहां वाली कंडीशन में कॉपर सल्फेट आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया, तो आपने सॉल्यूट के कितने मोल्स, एक मोल सॉल्यूट, दो मोल सॉल्यूट,
0.1 मोल सॉल्यूट 0.0001 मोल सॉल्यूट को कितनी मात्रा में सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया, 1 लीटर सॉल्वेंट, 500 ml सॉल्वेंट, 5 लीटर सॉल्वेंट, 100 ml सॉल्वेंट, 250 ml सॉल्वेंट, 750 ml सॉल्वेंट, कितने के अंदर आपने डिसॉल्व किया है वो हमें यहां पर पता चलेगा। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इस वजह से हमारी केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे आप यहां पर देखो कि ये जो आपका कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है ये 0.1 मोलर है, ये कैसे है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास में अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? पक्की बात 100%? चलिए, तो अब सबसे पहला और सबसे इजी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जो कहलाता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज सबसे पहला टर्म हमें क्या बताता है? मास परसेंटेज। बहुत इजी होता है, आपके पास में एक सॉल्यूशन है, आपके पास में एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन डेफिनेटली केमिस्ट्री के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन को फॉलो किया जाता है, इसलिए वो दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जब आप यहां पर देखेंगे कि आपका सॉल्यूशन भाई कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट मिले, अल्टीमेटली इन दोनों का सम 100% के बराबर ही होगा, मतलब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमेशा 100% होगा, हमेशा 100% होगा। अब अगर मैं यहां पर मानूं कि लेट से मेरा सॉल्यूट x परसेंट है तो डेफिनेटली मेरा सॉल्वेंट 100-x% होगा। क्या ये सिंपल सा गणित, क्या ये सिंपल सा मैथ्स आपको समझ में आया? क्या ये सिंपल सा मैथ्स आपको समझ में आया कि भाई अगर आपका सॉल्यूशन 100% है तो वो 100% क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर x परसेंट सॉल्यूट होगा, यानी x परसेंट सॉल्यूट है और 100-x% सॉल्वेंट है, तो -x% +x% कट गया, फाइनली आपके पास में 100% ही बचा, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी ऑलवेज 100%। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? अब यहां पर क्योंकि मास की बात चल रही है तो यहां पर आपके पास में मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालना है, अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है हमारे सॉल्यूट का, तो इट इज इक्वल टू मास जो कि जनरली आपको ग्राम्स में दिया होगा, किसका? सॉल्यूट का। सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा और जब आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मिल जाए तो अब आप क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए अब आप लोग क्या करेंगे, तो आप 100% में से आप लोग मास परसेंटेज सॉल्यूट का माइनस कर देंगे, मास परसेंटेज सॉल्यूट का आप लोग माइनस कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? वही भाई, अगर मेरा सॉल्यूट का मास परसेंटेज x परसेंट हो जाएगा तो 100 में से x माइनस कर दूंगा तो मुझे आपके सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, ये समझ में आ गई बात। अब इसको एक एग्जांपल से करके देखते हैं, इसको अपन एक एग्जांपल से करके देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपको बोल रहा है क्वेश्चन है, इफ सब्सटेंस ए दैट इज 2 grams इज एडेड टू 18 grams ऑफ वॉटर देन फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ए। तो आपको ए का मास परसेंटेज निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे? भाई देखो, सीधी सी बात है, आपका सब्सटेंस ए 2 ग्राम है और आपका सब्सटेंस बी यानी वाटर 18 ग्राम है, सो देयरफॉर
टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास आपके सॉल्यूशन का कितना हो गया, आपके सॉल्यूशन का टोटल मास हो गया मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ वाटर। मास ऑफ ए इज 2 ग्राम्स, मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, यानी 20 ग्राम आपके पास में टोटल सॉल्यूशन हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको मास परसेंटेज निकालना है ए का। सो ए का मास हम यहां पर लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ए का मास कितना है 2 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है 20 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। 2 कट गया इससे 10 टाइम्स, 10 चला गया 100 से 10 टाइम्स। सो देयरफॉर ये कितना हो गया, ये हो गया 10%। अब अगर आपसे कोई पूछता है, कि क्या आप मुझे फाइंड करके बता सकते हो, कैन यू फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ वॉटर, तो आप बोलोगे हाँ बहुत इजी है सर, आपने बताया था 100% में से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हटा दो। तो हम यहां पर 100% में से 10% हटा देंगे तो हमें मिलेगा 90%, वो आपके वाटर का मास परसेंटेज हो गया, वो हमारे वाटर का मास परसेंटेज हो गया। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी चुन्नू मुन्नू टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा हल्का पतला एवं चुन्नू मुन्नू टाइप का गेल सप्पा क्वेश्चन। कोई परेशानी, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट इफ 75% वाटर इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। यहां पर आपके पास में ऑप्शन है 25 ग्राम, 75 ग्राम, 2.5 ग्राम, 250 ग्राम। ग्राम होना चाहिए एक तो, और एक होना चाहिए 33.3 ग्राम। अब ऑप्शन सही बैठे, अब करके बताओ कैसे करोगे। अब देखो यहां पर जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भैया जो भी आपका सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनेगा। अब मैंने आपको सिखाया कि सॉल्यूशन तो हमेशा 100% होता है, यहां पर सॉल्वेंट आपको दिया है 75%, तो यह बात क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी कि जो सॉल्यूट होगा अगर आप 100% में से सॉल्वेंट का परसेंटेज माइनस कर दोगे, यानी 100 में से 75 माइनस कर दोगे तो सॉल्यूट बच जाएगा 25%। लेकिन अब इसको ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो इसका सीधा सा खेल है। आप यह सोचो, कि यह 100% आया कैसे होगा। भाई सॉल्यूशन का 100% यानी सॉल्यूशन का मास आया होगा मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ऐसे निकालते हैं। तो ये जो 100 है ये होगा ना आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, भाई मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से आपको वैल्यू मिल जाती है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली 100% हो गया। मतलब एक काम आप ये ट्रिक याद रखना, ये मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं कि डायरेक्टली 100% को 100 ग्राम लिख दो तो ऑटोमेटिकली 75% बन जाएगा आपका 75 ग्राम, तो एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी 25 ग्राम। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैंने यहां पर इसे 100 ग्राम माना है,
ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इसे 100 ग्राम माने, ये कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए माना जाता है। आपने देखा होगा मैंने 2.5 नाम के एग्जाम्पल को हटा दिया था। क्यों भाई 2.5 के एग्जाम्पल को मैंने इसलिए हटाया क्योंकि हो सकता हो कि तुम मानो कि चलो लेट से सॉल्यूशन का मास 10 ग्राम है। आपने सोचा होगा कि लेट से सॉल्यूशन 10 ग्राम है, तो भाई सॉल्यूशन अगर टोटल मास सॉल्यूशन का अगर मैं 10 ग्राम मानता हूं डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो भाई साहब ये 10 ग्राम दैट इज टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो 10 से 10 कट जाएगा और ये रह जाएगा 100%, यानी 100% तो तब भी आ रहा है। मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि किसी भी चीज को आप सॉल्यूशन के मास को 10 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 1000 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन 100 कैलकुलेशन को आसान कर देता है क्योंकि 100 से 100 इजीली कट जाता है। तो अब यहां पर आपका सॉल्वेंट कितना हो जाएगा भाई, सॉल्वेंट इज योर 75%। सॉल्वेंट का मास हमें पता नहीं है, सॉल्यूशन का टोटल मास हमें पता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाय 100, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.5 ग्राम, यानी सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली 7.5 ग्राम हो गया। तो आपका सॉल्यूट कितना हो जाएगा, सॉल्यूट ऑटोमेटिकली 10 माइनस 7.5 यानी कि 2.5 ग्राम हो जाएगा। इसीलिए मैंने 2.5 वहां से हटा दिया था ऑप्शन में से, क्योंकि अगर आप 10 ग्राम मान के चलते तो 2.5 ग्राम आंसर भी सही होता, ये आंसर भी सही है। तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखना है कि वैसे ऐसा आपको कोई क्वेश्चन बोर्ड्स में नीट जेई में नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्लास 12th में इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जनरली वहां पर 100 ग्राम मानकर ही काम किया था क्योंकि कैलकुलेशंस को आसान कर देता है। समझ गए, कोई परेशानी इसके अंदर किसी भी तरीके की? चलिए अब अगला टॉपिक मैं आपको तब कराऊंगा जब आप एक छोटा सा होमवर्क करके आओगे। सर होमवर्क क्या बात कर रहे हो, होमवर्क दे रहे हो आज? कुछ रट्टाफिकेशन वाला होमवर्क नहीं दे रहा हूं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, कुछ चीजें आपको रिवाइज करके रखनी है, कुछ चीजों का आपको शानदार वाला रिवीजन करके रखना है। जैसे कि मोल्स क्या होते हैं, मोल्स निकालने के मैंने आपको जो फॉर्मूलेस पढ़ाए थे वो क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये अगर आपने अच्छे तरीके से अगली क्लास के पहले यानी सैटरडे के पहले अगर आपने रिवाइज कर लिया, आज गुरुवार को रिवाइज कर लिया या कल फ्राइडे के दिन रिवाइज कर लिया, एक बार अच्छे से मेरे प्रीवियस वीडियो से सारी बातें रिवाइज कर लेना। अगर आपने इन चीजों को रिवाइज कर लिया तो मेरी गारंटी बॉस मजा आ जाना है, मच्छानी लाइफ हो जानी है, और इसकी मदद से आप लोगों को मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब ये वीडियो यहां पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आई होप आज का पूरा पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपको इस पूरे चीज के अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो मैं कमेंट सेक्शन चेक करता रहता हूं। तो अगर आपका कोई जेन्युइन कमेंट होगा और अगर ऐसा कुछ लगेगा कि नहीं आपका कमेंट ये मुझे सॉल्व करना है, आपका ये डाउट मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इस वीडियो के कमेंट्स पढ़ने के बाद जब अगले लेक्चर की लिए रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा तो आपके डाउट को मैं कंसिडर करूंगा, आपके डाउट को सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा विद योर नेम प्रॉपरली, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि हमारा डाउट सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए, तो डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, अदरवाइज कल मिलते हैं और अगला लेक्चर अगला टॉपिक शुरू करते हैं।